एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड टू इन्फेंट्स थ्रू क्लास्ट्रम इज। अब ये चैप्टर जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि वो वाली जो क्या हमारे पास जब एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है इन्फेंट्स को, बच्चों को, थ्रू क्लास्ट्रम। क्लास्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर अपने बच्चे को प्रोवाइड करती है उसको कहता है क्लास्ट्रम। ठीक है, जो प्रॉपर मिल्क नहीं होता अभी उसमें वो मतलब वो प्रॉपर मिल्क नहीं होता, जो पहला दूध होता है क्लास्ट्रम का, जो मतलब ये गाय वगैरह को येलोइश कलर का जो होता है उसको कहते हैं क्लास्ट्रम। जो पहला दूध होता है वो प्रॉपर दूध नहीं होता बल्कि गाढ़ा सा एक मटीरियल होता है जिसमें मिल्क और बाकी सारी चीजें होती है, तो उनमें भी एंटीबॉडीज होती है। तो वो कहते हैं कि अगर एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाए इन्फेंट्स को थ्रू क्लस्ट्रम तो ये कौन सी इम्यूनिटी होगी, तो ये वाली कौन सी इम्यूनिटी होगी। चार ऑप्शन है हमारे पास, एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तीसरा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और चौथा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। चार ऑप्शंस हैं। अब आप लोगों को जिसका जिन्होंने पढ़ा हुआ है इम्यूनिटी का चैप्टर, कोई इजी सा चैप्टर है, उनका भी पता लग गया होगा जब क्लास्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडीज बच्चे को प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको कोई बीमारी अगर है तो वो खत्म हो जाए या फिर उस पर कोई बीमारी अटैक ना करे, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है कौन सी इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, देखो इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक इनबोर्न इम्यूनिटी है जो कि बच्चे के अंदर जब पैदाइश के वक्त ही होती है, मतलब अंदर ही होती है। एक हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो वो के बाद में हासिल करते हैं, बाद में हासिल करने वाली इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये याद है कि यहाँ जो थोड़ा रिकॉल करो, मैं सारा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। इम्यूनिटी दो टाइप्स की थी, इनबोर्न या इननेट जिसको कहते थे, और दूसरी हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। अब अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो उसके भी आगे दो टाइप्स थे, कौन कौन से थे, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जिसमें बॉडी के अंदर से जब कोई डिजीज या कोई एंटीजन आता है तो बॉडी खुद जो है उसके अगेंस्ट अपने लिए जो एंटीबॉडीज है वो बना ले, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी किसी एंटीजन या किसी डिजीज के खिलाफ खुद एंटीबॉडीज ना बनाए बल्कि कहीं और से एंटीबॉडीज उठा के उस बॉडी में डाल दी जाए तो वो डिजीज जो है वो खत्म हो जाए। तो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है जिसमें बॉडी का कुछ टाइम जो है वो जाया नहीं हुआ। ठीक है, तो वो दो तरह की इम्यूनिटी थी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। फिर उनके भी दो टाइप्स है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव भी थी, आर्टिफिशियल पैसिव भी थी। नेचुरल एक्टिव भी थी और आर्टिफिशियल एक्टिव भी थी। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लास्ट्रम दिया जाता है बच्चों को, अब देखो बच्चा है उसको बाहर से एक चीज आ रही है, क्लास्ट्रम क्या है मदर पिला रही है उसको, तो बाहर से एक चीज आ रही है, तो अब यहाँ पर एक्टिव तो नहीं हुई, पैसिव इम्यूनिटी हुई क्योंकि बाहर से बॉडी कोई चीज मिल रही है जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो बाहर से आ रही है, तो या तो ये नेचुरल पैसिव हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल पैसिव हो सकती है। अब आर्टिफिशियल पैसिव क्या होती है, आर्टिफिशियल पैसिव ये होती है जैसे कि हमारे पास कोई पॉइजन है, कोई स्नेक हमें लड़ गया तो उसके लिए हमें तरियाक चाहिए, तरियाक मतलब उसके प्रॉपर एंटीबॉडीज जो कि उस एंटीजन या उस वेनम के खिलाफ काम करे। तो क्या होता है हमारे पास प्रॉपर एक घोड़ा जो होता है उसके अंदर वो एंटीबॉडीज बनाई जाती है, फिर घोड़े से या हॉर्से से एक्सट्रैक्ट की जाती है, फिर वो एंटीबॉडीज ह्यूमन में इंजेक्ट की जाती है और इस तरीके से ह्यूमन को स्नेक के जो खिलाफ तरियाक है वो मिल जाता है, एंटीबॉडीज उस वेनम को खत्म कर देती है। अब ये सारा है लेकिन ये आर्टिफिशियल है कि वहां पे क्रिएट की जाते हैं, हम खुद वहां पे क्रिएट करते हैं उसके बाद वो वाली उठा के अपने अंदर डालते हैं, ये हमारे पास आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन जो क्लास्ट्रम है जो वहां का दूध है वो एक नेचुरल चीज है, वो क्या है हमारे पास एक नेचुरल चीज है, तो वो नेचुरल चीज अब बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि द एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड टू इन्फेंट्स थ्रू क्लास्ट्रम इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसका पहला है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसी तरीके से जो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, वो भी हमारे पास क्या होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसके साथ बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं तुम लोगों के। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टी लिम्फोसाइट्स बिकम मैच्योर एंड कंप्लीट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब ये नाम से टी लिम्फोसाइट्स, क्यों टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो बोन मैरो में बनते हैं। अगर याद रखो ये भी इम्यूनिटी वाला चैप्टर वही से उठाया गया, बोन मैरो में बनते हैं उसके बाद प्रोसेस होने के लिए और मैच्योर होने के लिए आते हैं कहां पर, थायमस ग्लैंड के पास आते हैं। कहां पे आते हैं, थायमस ग्लैंड के पास आते हैं। तो थायमस ग्लैंड के पास आने की वजह से जहां पर वो मैच्योर हो रहे थे उनका नाम ही पड़ गया टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि टी लिम्फोसाइट्स बिकम मैच्योर एंड कंप्लीट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायमस ग्लैंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है वो एक लिवर है, एक थायमस ग्लैंड है, एक बर्सा फैब्रिकस है और एक हमारे पास स्प्लीन है। तो बर्सा फैब्रिकस जो है ये बी लिम्फोसाइट्स के लिए है, याद रखना बर्सा से बी और बर्सा से ही बी लिम्फोसाइट्स। तो वो बी लिम्फोसाइट्स अगर पूछे तो फिर बर्सा फैब्रिकस है, टी लिम्फोसाइट्स उन्होंने पूछा हुआ है तो उसके लिए थायमस ग्लैंड है। मैंने बताया कि कहां बन रहे, बोन मैरो में तो बनते हैं जो टी लिम्फोसाइट्स है, लेकिन मैच्योर कहां पे होते हैं, थायमस ग्लैंड में होते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मैच्योरेशन ऑफ किस पे, टी लिम्फोसाइट्स के। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पॉइजन है, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो पॉइजन एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स है ये किस चीज की एग्जाम्पल है। ये एंजाइम के चैप्टर से उठाया गया है कि जितने भी प्रॉपर लाइन है, ये जो पॉइजन हो गई, जहर हो गया,
चाहे हमारे पास ड्रग्स हो गए, कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, चाहे हमारे पास कोई एंटीबॉडी ले रहे हो, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब कोई वैक्सीनेशन, ये ड्रग्स है, ये वैक्सीनेशन है, ये पॉइजन है, ये सारी किस चीज की एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है इनहिबिटर्स की। किसकी एग्जाम्पल्स है? इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल्स है। इनहिबिशन के चैप्टर जो टॉपिक में उसमें ये चीज बताई गई है कि पॉइजन हो गए, ड्रग्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, वो इनहिबिशन की क्या है हमारे पास टाइप्स है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंस था? पॉइजन, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटर्स। ये किसकी एग्जाम्पल्स है? इनहिबिटर्स की। बाकी ऑप्शन क्या है? कोएंजाइम, कोफैक्टर्स और मिनरल्स। तो इसमें से प्रॉपर ऑप्शन क्या है? इनहिबिटर। जैसे हमारे पास बुखार होता है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व होते हैं, वो राइज कर रहे होते हैं, उसके एंजाइम जो बड़ा प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। फिर जब हम बुखार के खिलाफ कोई ड्रग लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करने वाली एंजाइम है उन्हीं को इनहिबिट कर देते हैं, तो वो मजीद प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं करते और इस तरीके से हमारा जो बुखार है वो टूट जाता है। तो ड्रग्स हो गए, पॉइजन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, जितनी भी सारी क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है कि बैक्टीरिया विद टफ ऑफ फ्लैजिला एट ईच पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है वहां से उठाया गया है कि अगर एक बैक्टीरिया जिसके ऊपर एक गुच्छा लगा हो, एक टफ लगा हो, क्या लगा हो, एक गुच्छा हो ईच पोल पे, मतलब ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया, इसके दो पोल होते हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है। कहते हैं अगर दोनों पोल्स पे हमारे पास फ्लैजिला लगे हूं, एक टफ के फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में, तो वो कौन से वाले बैक्टीरिया कहलाएंगे। अब इसके आगे से नाम है, प्रॉपर क्या है, चार ऑप्शन है, पहले तुम लोग खुद बताना उसके बाद फिर देखना। तो पहला है हमारे पास मोनोट्राइकस, पहला हमारे पास क्या है, मोनोट्राइकस। दूसरा हमारे पास है लोफोट्राइकस, तीसरा हमारे पास है पेरिट्राइकस और चौथा हमारे पास है एम्फीलोफोट्राइकस। चार ऑप्शन है। अब ये ट्राइकस वाला अगर तुम लोगों को याद हो तो ए ट्राइकस, बाई ट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीलोफोट्राइकस, एम्फी बायोलेफोट्राइकस, बहुत सारे उसके जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे उसके एग्जाम्पल है। तो उसमें देखें, जब हमने कहा था कि अगर कोई बैक्टीरिया उस पर कोई भी हमारे पास फ्लैजिला ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ए ट्राइकस होता है। अगर उसके एक एंड पे होता है तो वो मोनोट्राइकस होता है। अगर उसके दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होगा तो बाई ट्राइकस है। अगर उसके एक ही एंड पे दो फ्लैजिला होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, मोनोबाइट्राइकस। मतलब एक है हमारे पास फ्लैजिला, क्या है बैक्टीरिया, उसके साथ दो फ्लैजिला। इसी तरीके से हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है कि अगर इसमें हम देखें एक ही पोल पे अगर टफ लगा हो, मतलब वन पोल पे अगर टफ लगा हो तो उसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन क्या है, एक हमारे पास है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस तो नहीं है, अब लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में भी टफ लगा होता है, गुच्छा लगा होता है, लेकिन वो एक एंड पे होता है। किस एंड पे होता है, एक एंड पे। यहाँ पे बच्चे जल्दी में कहते हैं यार ये तो लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस को सर्कुलेट करो, नहीं, लोफोट्राइकस नहीं है, पेरिट्राइकस भी नहीं है। पेरिट्राइकस का होता है कि ये बैक्टीरिया उसके हर तरफ फ्लैजिला लगे हुए, वो हमारे पास पेरिट्राइकस होता है, ये वो भी नहीं है। कहते हैं कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ईच पोल, मतलब हर पोल पे, इस पोल पे भी लगा है, इस पोल पे भी लगा है, तो जब इस तरह के होंगे तो उसको हम कहेंगे एम्फीलोफोट्राइकस। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एम्फीलोफोट्राइकस। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, एम्फीलोफोट्राइकस, सही हो गया। तो ये हमारे पास देखा चैप्टर 6 एमसीक्यू आया और कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और बार बार ये चीजें जो है वो रिपीट होती है। जैसे अभी एम्फीलोफो का पूछ लिया, अगली बार हो सकता है लोफो का पूछ लिया, हो सकता है मोनो का पूछ लिया, हो सकता है बाई का पूछ लिया, हो सकता है पैरी का पूछ लिया, तो मुख्तलिफ चीजें जो है इसी से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच पोल हो, यहाँ पे देखो बोथ पोल उन्होंने लिखा, ईच पोल पे, इसका मतलब भी हर पोल पे, मतलब इस पोल पे भी और इस पोल पे भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास है, एम्फीलोफोट्राइकस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो नीड ऑफ गॉल ब्लैडर। मतलब इनमें से चार नीचे एनिमल्स है, इनमें से किस एनिमल को गॉल ब्लैडर की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन है हमारे पास एक कैट है, उसके बाद लाइन है, ह्यूमन है और गोट है, बकरी है, ठीक है। कहता है इनमें से किस एनिमल को गॉल ब्लैडर की जरूरत नहीं पड़ेगी और अमूमन इनमें होता भी नहीं है कोई खास, तो वो हमारे पास क्या है, एक कैट है, लाइन है, ह्यूमन है और गोट है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन इन द सेंस के देखो गॉल ब्लैडर तो लिवर के साथ होगा, लिवर की चीजों को स्टोर करता है, तो ये तो इन सब में होना चाहिए। वैसे जो अगर हम देखें ट्रिकी इस सेंस में, लेकिन गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन, अगर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर की तरफ हम जाएं, जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर कर रहे थे तो गॉल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन था वो क्या था, इमल्सिफिकेशन। वो क्या था, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, मतलब लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला, जो उसमें लिपिड्स को छोटे छोटे वो इमल्सिफाई कर दिया जाता है, उसको इमल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, तो वो लिपिड्स के लिए बेसिकली है, ठीक है। अब कैट है,
ये कार्निवोर गोश्त खाते हैं तो लाजमी बात है इसके डाइजेशन मतलब इसमें खुराक में क्या होगा, लिपिड्स होगा, तो उसके लिए तो जरूरी है, लायन के लिए भी जरूरी है। इवन हम भी मीट खाते हैं, हम भी फैट्स खाते हैं, तो हमारे लिए भी जरूरी है। बकरी जो बेचारी है वो हर्बी ओवर है, वो सिर्फ सब्जी खा सकती है, वो गोश्त नहीं खा सकती, वो लिपिड्स नहीं खा सकती। जब वो ये चीजें खा ही नहीं सकती तो उसको फिर गॉल ब्लैडर की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो हर्बी ओवर है। जितने भी हर्बी ओवर है जो सब्जी खोर जानवर है उनके लिए गॉल ब्लैडर का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर बेसिकली जो हमारे पास बाइल आ रहा होता है, जो लिवर की जो सिक्रीशन है उसको स्टोर कर रहा होता है, बना नहीं रहा होता, लिवर से सिक्रीट हो रही है उसी को स्टोर कर रहा होता है। तो इसमें जो अगर तो इसके कुछ उसमें प्लांट्स में थोड़ा बहुत फैट होता है तो वो फैट जो है लिवर से डायरेक्टली वो डाइजेस्टिव डाइजेशन उसकी हो जाती है, उसको गॉलब्लैडर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, गोट, क्योंकि गोट को गॉलब्लैडर की प्रॉपर जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑल आर्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। जितनी भी आर्टरीज है, पहले आर्टरीज और वेन का इस कॉन्सेप्ट पे इसको थोड़ा सा रिवाइज करो कि आर्टरीज क्या होती हैं और वेन क्या होती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक दिल है, सिंपल से एक दिल बना रहा हूं, ठीक है, हमारे पास ये दिल है। अब ये दिल है जो ब्लड वेसल जो भी, अब इसमें मैं कह रहा हूं ये दो हमारे पास ब्लड वेसल है, एक है वो ब्लड को ला रही है, एक ये है जो ब्लड को लेकर जा रही है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, वो कैरी करती है ब्लड, ब्लड को कैरी करी है टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। और एक वैसल से कई मतलब एक वैसल मतलब कह रहा हूं कि कई तरह की चीजें जो है, कई तरह के वैसल, कई वैसल होंगी जो के ब्लड को हार्ट से कैरी करेंगी अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाएंगी। क्या कुछ वैसल जो है वो ब्लड को बॉडी से टुवर्ड्स हार्ट लेकर आएंगी, कुछ है जो हार्ट से टुवर्ड्स बॉडी लेकर जाएंगी। तो याद रखना वो वाली वैसल जो के ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेकर आती है, ब्लड को क्या कर लेती है टुवर्ड्स हार्ट लेकर आती है या मतलब दिल की तरफ लाती है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, और वो वाली वैसल जो के हार्ट से ब्लड लेकर जाती है पूरी बॉडी में वो क्या कहलाती है, इनको बोलते हैं वेन्स। इसको क्या बोलते हैं, वेन्स, मतलब जो के टुवर्ड्स हार्ट आ रही है, जो मतलब ब्लड दिल में लेकर आ रही है पूरी बॉडी से लेकर आती है, उसको कहते हैं वेन्स। ये जो हमारे यहाँ पे सामने दिखने वाली है जो ब्लूइश ब्लूइश हमें नजर आती है वो वेन्स होती है। और वो वाली आर्टरीज मतलब वो वाली ब्लड वेसल जो कि ब्लड दिल से लेकर जाती है बॉडी की तरफ हो या अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको क्या बोलते हैं आर्टरीज, उसको क्या बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखें वो कहता है कि ऑल आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी, जितने भी आर्टरीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब अब दिल से पंप आउट होने के बाद जो ब्लड जा रहा होता है वो सारा ऑक्सीजन रेट होता है, रिच होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी को मिलना है, क्या ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को मिलना है, तो वो आर्टरीज लेकर जाएंगे पूरी बॉडी की तरफ। तो जितनी भी आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, क्या होगा ऑक्सीजनेटेड होगा, और जितने भी वेन्स है उसमें ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो टिश्यूज और बॉडी ने यूज कर लिया, तो जो CO2 उन्होंने रिलीज किया था वो CO2 जो है अब वो आएगा दोबारा दिल की तरफ, किसकी तरफ आएगा दिल की, तो सारी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होती है, सारे जो हमारे पास आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है दोनों में, एक्सेप्ट क्या, तो यहां पर है कि ऑल आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट नंबर ए पल्मोनरी आर्टरीज, नंबर बी एओर्टा, नंबर सी रीनल आर्टरीज, नंबर डी कोरोनरी आर्टरीज। तो आर्टरीज जितनी भी है, एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है, तो सब में हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सिवाय किसके, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, किसके पल्मोनरी आर्टरी के। अब इसको देखो, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसियस एक्सचेंज जो है बॉडी में वो कहाँ होता है, वो होता है लंग्स के अंदर, किसके अंदर लंग्स के अंदर होता है ना, कहां पर होता है लंग्स के अंदर ही, तो हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होती है, मतलब खून जो है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और CO2 जो गैसियस एक्सचेंज होता है खून का वो होता है हमारे पास लंग्स के अंदर, किसके अंदर होता है लंग्स के अंदर, मतलब खून साफ लंग्स के अंदर बेसिकली होता है। तो यहां पर इस दिल से जो खून भेजा जाएगा लंग्स की तरफ, जो खून भेजा जाएगा लंग्स की तरफ फेफड़ों की तरफ, उसको अभी तो आर्टरीज को कैरी करिए ना, उस लंग्स का जब जब भी नाम आ जाए ना पल्मोनरी, तो समझ जाओ कि लंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है फेफड़े इन्वॉल्व है। तो वो वाली आर्टरी जो कि खून दिल से लंग्स की तरफ लेकर जाएगा उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन याद रखना लंग्स का फंक्शन क्या, खून को साफ करना,
क्या करना, खून को साफ करना। तो लाजमी बात है ये जो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है ये पूरी बॉडी से दिल रिसीव करके इसको पंप करता है लंग्स की तरफ, किसकी तरफ, फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ पंप करता है। तो ये वाली जो आर्टरी होगी जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है आर्टरी मतलब खून दिल से दूर लेकर जा रही है लेकिन उसके अंदर जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि वो जब लंग्स के पास पहुंचेगा उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड होगा फिर लंग्स से दोबारा वो आएगा हार्ट में। लेकिन अब ये देखो टुवर्ड्स हार्ट एक वेन आ रही है लेकिन वो वेन होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेन क्या होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली, उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कभी आर्टरी पूछ लेते हैं कभी वेन पूछ लेते हैं। तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि खून तो दिल से दूर लेकर जा रही है लेकिन कौन से वाला डीऑक्सीजनेटेड, बाकी सारी आर्टरीज क्या है ऑक्सीजन रिच या ब्लड वाली आर्टरीज हैं लेकिन जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली होती है। इसी तरीके से जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, बाकी जितनी भी वेन्स है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली है। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है इन हिपेटिक सेल्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन हिपेटिक सेल्स द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये देखो हिपेटिक लिवर का फंक्शन वाला जो है जो डाइजेशन के चैप्टर में लिवर है जो इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का लिवर, उसमें कहते हैं कि हिपेटिक सेल्स के अंदर जो हमारे पास अमोनिया है जो प्रोड्यूस होता है डीएमिनेशन क्या होता है जब अमीनो एसिड टूटता है ना, क्या अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है अमोनिया बनता है, क्या बनता है अमोनिया बनता है बेसिकली। तो वो अमोनिया जो है वो क्या होगा वो कन्वर्ट होगा किस चीज में, आगे इसी के साथ वो उस पे जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास अमोनिया जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है प्रॉपर, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा हिपेटिक सेल्स है तो ह्यूमन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ह्यूमन की बात हो रही है, हिपेटिक मतलब हिपेटिक का मतलब ये होता है लिवर सेल्स है ह्यूमन के लिवर सेल्स है तो उसमें अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें अमोनिया ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोजन, नहीं ग्लाइकोजन में नहीं हो रहा होता, यूरिक एसिड, यूरिया और ग्लूकोज, अब यहाँ पे दो है यूरिक एसिड भी हो सकता है लेकिन अगर बर्ड्स का मामला हो और अगर यूरिया है तो वो इंसानों का मामला होता है, तो यहाँ पर हिपेटिक सेल्स है तो मतलब ह्यूमन की बात हो रही है तो अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया में, अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा यूरिया में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि हिपेटिक सेल्स में द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ऑप्शन क्या है उसका यूरिया उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो साइकिल है इसको कहते हैं मतलब या अपर लेवल पे जाए तो ये ऑरेंथीन आर्जिनिन साइकिल जो है वो जिसमें यूरिया बनता है या जो हमारे पास अमीनो एसिड्स उसकी डीएमिनेशन हो रही होती है, तो ये सारा हमारे पास जो साइकिल है उसको ऑरेंथीन आर्जिनिन साइकिल जो है वो बोलते हैं, तो ये चीज भी याद रखो साथ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 212 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस द मेजर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इन द सेल, ये अभी हमने बात की थी क्वेश्चन वही उसी से रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आ गया। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड, मतलब जो डायरेक्टली प्रोड्यूस मतलब सब्सट्रेट लेवल, अब अगर सब्सट्रेट लेवल पे बात हो रही है तो ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स कहां बन रहे होते हैं, या तो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स, इन दोनों में फोटो मतलब हमारे पास फास्फोरिलेशन हो रही होती है, तो ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो अब यहां पर देखो ऑक्सीडेटिव है हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो वहां पे तो डायरेक्ट वाला सीन ही नहीं है, अब एक ग्लाइकोलाइसिस है दूसरा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में सिर्फ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था तब एटीपी बनती थी, लेकिन जो हमारे पास क्या है ग्लाइकोलाइसिस है उसमें एक जब 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट हो रहा था 3-phospho तो वहां भी एटीपी बन रही थी, फिर पेप जो कन्वर्ट हो रहा होता था किसमें पाइरूवेट में तो वहां पर भी एटीपी बन रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है कि वहां पर ज्यादा एटीपी डायरेक्ट प्रोसेस से बनती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि which of these cells in plant is considered to be non-living? Non-living cells मतलब जो तकरीबन dead होते हैं, सिर्फ उसको support provide कर रहे होते हैं, secondary cell wall होते हैं, तो वो कौन से होंगे? हमारे पास ये plant वाला chapter जो chapter ना थी का, तो उसमें से उठाया गया। तो ये क्या पहला parenchyma? नहीं, parenchyma living cells होते हैं और ज्यादातर हमारे पास ये जो undifferentiated mass of cells है जो बाद में मुख्तलिफ cells में convert होगा वो parenchyma cells है, तो ये तो living है। कॉलेनकाइमा ये भी मैच्योर लिविंग सेल्स होते हैं, तो इसको भी नहीं कह सकते। एपिडर्मल में तो मेरिस्टम्स होते हैं, तो वो तो है ही हमारे पास लिविंग सेल्स,
इसका जो सही ऑप्शन है वो स्क्लेरल काइमा। स्क्लेरल काइमा के अंदर सारे डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस तो खत्म हो चुका होता है, सिर्फ जो सेकेंडरी सेल वाल है जो लकड़ी है वो बच जाती है। तो स्क्लेरल काइमा या जो लकड़ी इसको आम लफ्जों में कहते हैं, तो वो सारे हमारे पास नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द लव आर फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट। अब ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर है कि जब लब डब की आवाज हम दिल पे रखें तो ये दब दब करता है, ये दब दब नहीं होता, समय लब डब लब डब हो रही है। तो वो कहते हैं कि जो फर्स्ट साउंड है या जो लब है वो कब प्रोड्यूस होता है। एक है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, एंडिंग ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल और एंडिंग ऑफ डायस्टोल। तो एक चीज याद रखो, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो सिस्टोल है, और डायस्टोल क्या होता है जब कोई चीज रिलैक्स करेगी वो डायस्टोल है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने सर्कुलेशन वाला चैप्टर है तो आप याद करो कि जब लब की प्रोड्यूस मतलब लब साउंड का प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास आर्ट्रिया से ब्लड आ जाता है सारे का सारा किसमें, किसमें सारे का सारा आता है वेंट्रिकल्स में, आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो उसके बाद वो वापस बैक फ्लो ना करे आर्ट्रिया की तरफ, तो जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं। तो उनकी क्लोज की वजह से क्या होता है कि लब की साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोजर की वजह से क्या होता है कि वहीं पर अब सिस्टोल स्टार्ट होने वाला होता है। सिस्टोल का मतलब क्या, अब जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की तरफ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। और यहाँ पर ये बात भी याद रखो कि बात की थी कि अगर कहीं पर ये ना बताया हो कि कौन सा सिस्टोल हो रहा है या कौन सा डायस्टोल हो रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग एंड ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल या एंड ऑफ डायस्टोल। तो डायस्टोल वाला तो निकाल दो, सिस्टोल में है। अब हमने कहा था कि अगर कहीं पर सिस्टोल या डायस्टोल के साथ कुछ ना लिखा हो तो समझ जाए कि वो वेंट्रिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल पे होती है लब की आवाज प्रोड्यूस, तो इसका सही ऑप्शन है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। और एंड ऑफ सिस्टोल पे प्रोड्यूस होती है डब की आवाज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ सकता है कि द डब ऑफ द हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट, तो वो फिर एंड ऑफ द सिस्टोल पे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही चैप्टर 4 सेक्टर से उठाया गया, तो क्लोरोफिल के बारे में क्या चीज है ट्रू है। पहला ऑप्शन है इट कंटेन मैग्नीशियम इन पोरफायरिन रिंग, मतलब ये तो ट्रू है। इसके जो हमारे पास अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें हमने कहा कहा था, उसमें हमने यही तो कहा था कि हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग्स होती है ये वाली रिंग्स होती है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे फिर से सोडियम, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और, ठीक है। और ये इसका आपस में ऐसे मिले होते थे और इनके बीच में मैग्नीशियम था, तो ये पोरफायरिन रिंग है और इसके बीच में मैग्नीशियम है, ये बात तो ठीक है। अगर इसके बीच में हीलियम होता तो फिर ये हीमोग्लोबिन है, नहीं तो ये क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम होता है, ये बात तो ठीक है। फिर भी हम अगले ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन क्या है, इट इज फाउंड मोस्टली इन स्ट्रोमा। ये बात गलत है, स्ट्रोमा में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होता है लेकिन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ज्यादा होता है, स्ट्रोमा के अंदर ये ज्यादा नहीं होता। तो ये बात गलत है, स्ट्रोमा में ज्यादा नहीं होता। उसके बाद इट डिजॉल्व्स इन वाटर, ये भी बात गलत है, डिजॉल्व नहीं होता वाटर में क्योंकि इसके यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अगर याद रखो C20 वाली 20 कार्बन वाली प्रॉपर टेल होती है, 20 के पता नहीं कितने हैं वो देख लेना, तो इसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है, तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये बात भी गलत है कि इट डिजॉल्व्स इन वाटर, क्लोरोफिल वाटर पानी वाटर में डिजोल्व नहीं होता। चौथा ऑप्शन इसका है कि इट इज ओनली पिगमेंट फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स, ठीक है प्लांट्स में ये पिगमेंट है लेकिन ओनली नहीं है, पिगमेंट्स और भी प्लांट्स के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इवन इसके बाद कैरेटिनॉइड्स हैं, इसमें अंदर ज़ैंथोफिल्स हैं, इसके अंदर और भी काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये ओनली पिगमेंट नहीं है। हाँ अबंडेंट पिगमेंट कह सकते हैं लेकिन ओनली पिगमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं। तो बाकी तीन हमारे पास गलत स्टेटमेंट्स है, सिर्फ ये है कि हाँ मैग्नीशियम इसके पोरफायरिन रिंग में होता है, तो इट इज ट्रू अबाउट क्लोरोफिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन ऑन फ्लोरल बड। इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन या फाइटो हार्मोन्स की तरफ निकल जाओ, जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जिसमें वो ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन्स हैं और हमारे पास इथेन है, तो ये सारे हमारे प्लांट हार्मोन्स कहलाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो फाइटो हार्मोन्स का वो आ जाता है। तो इस साल जो इसने पूछा हुआ है वो यही है कि जो हमारे पास इसमें से कौन सा इफेक्ट साइटोकाइनिन का नहीं है फ्लोरल बड पे। याद रखो फ्लोरल बड पे, स्टेम पे, रूट पे, हर जगह इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा इफेक्ट वो फ्लोरल बड का नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि साइटोकाइनिन क्या फाइटो हार्मोन है।
तो प्रोमोट बर्ड इनिशिएशन, ये काम करता है भाई, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है वो बर्ड इनिशिएशन, लेटर ग्रोथ के अंदर जो बर्ड्स निकलती हैं जिससे बाद में पत्ते या फिर कोई और स्टेम बनेगा, वो बर्ड इनिशिएशन बेसिकली साइटोकाइनिन ही करवाता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्रोमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ, लेटरल बर्ड ग्रोथ यही होती है कि ये कोई स्टेम है, इसके साथ ये कोई बर्ड हो गया तो इस तरफ जाएगा, कोई एक स्टेम इधर से निकलेगी, इसको लेटरल बर्ड ग्रोथ कहते हैं। यहाँ से हो जाए तो एपिकल है, यहाँ से हो जाए तो लेटरल है, तो यहाँ पर ठीक है साइटोकाइनिन जो है वो लेटरल बर्ड ग्रोथ को करता है, क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद ब्रेक बर्ड डारमेंसी, मतलब अगर कोई बर्ड रुका हुआ, उसे कोई चीज नहीं बन रही तो उसको कहते हैं बर्ड डारमेंसी, की बर्ड अभी सोया हुआ है, डरमेंट है, लेकिन वो साइटोकाइनिन जो है उसको ब्रेक करता है और वहां से नए जो हमारे पास कॉम्प्ले है वो फूट आती है, मतलब ये जो स्प्रिंग शुरू होता है ना, तो जहां से वो पत्ते निकलते हैं पहले वो बर्ड्स बनते हैं। तो अब वो बंदा सोचे कि यार इससे पहले ये क्यों नहीं बन रहे थे, तो क्योंकि उस वक्त वो बर्ड डॉर्मेंट थे, लेकिन जब उनको साइटोकाइनिन मिलता है पार के दिनों में, तो वो वहां से वो बर्ड डॉर्मेंसी जो वो ब्रेक होती है और उससे पर नए पत्ते, नए लीव्स, ये चीजें वगैरह बनते हैं। तो ये तीनों तो ठीक है, ये फ्लोरल बर्ड, ये बर्ड से रिलेटेड है, तो बर्ड इनिशिएशन भी करता है, प्रोमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ भी करता है, ब्रेक बर्ड डॉर्मेंसी ये भी करता है साइटोकाइनिन, और नंबर डी है प्रोमोट लीफ ग्रोथ। अब ये भी फंक्शन है साइटोकाइनिन का, लेकिन ये फंक्शन देखो, अब जो लीफ ग्रोथ है उसका फंक्शन है वो साइटोकाइनिन का फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कैसे राइट आंसर बनेगा, वो इस सेंस में कि क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन ऑन फ्लोरल बर्ड, बर्ड से रिलेटेड उसका क्या इफेक्ट होगा कि नहीं। तो देखो लीफ ग्रोथ की जो इनिशिएशन है या प्रमोशन है वो साइटोकाइनिन करता है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन में है कि फ्लोरल बर्ड के साथ उसको रिलेट करो, तो फिर लीफ ग्रोथ का फ्लोरल जो बर्ड उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो लीफ ग्रोथ है वो हमारे पास स्टेम के खाते में चला जाता है, किसके खाते में चला जाता है, स्टेम के खाते में। तो हालांकि ये चारों ऑप्शन साइटोकाइनिन के हैं, लेकिन जो लीफ ग्रोथ है वो फ्लोरल बर्ड से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, प्रोमोट द लीफ ग्रोथ। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट पेप्सिनोजन, ठीक है, ये हमारे पास डाइजेशन के चैप्टर से है कि वो हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करे गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि वो क्या रिलीज करे, पेप्सिनोजन रिलीज करे, तो वो कौन सा हार्मोन है, याद रखो, मतलब अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो पेप्सिनोजन कहां से रिलीज हो रहा था, पेप्सिनोजन कहां से रिलीज हो रहा था, ज़ाइमोजन के फॉर्म में, याद आ रहा है, पेप्सिनोजन कहां से रिलीज हो रहा था, पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा था जो हमारे पास स्टमक के अंदर चीफ सेल्स थे, कौन से सेल्स थे, चीफ सेल्स थे, वो हमारे पास क्या करते थे, वो हमारे पास पेप्सिनोजन रिलीज करते थे, चीफ सेल्स क्या कर रहे थे, पेप्सिनोजन रिलीज कर रहे थे। तो याद रखो पेप्सिनोजन मतलब कहां से रिलीज हो रहा है, वो तो स्टमक से रिलीज हो रहा है। फिर कौन सा हार्मोन है जो पेप्सिनोजन को रिलीज करवा रहा था, ऑप्शन है हमारे पास सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोर सिस्टोकाइनिन और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो सिक्रेटिन ठीक है, वो हमारे पास रिलीज करवाते हैं हार्मोन है, लेकिन ये वाला हार्मोन जाता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से जाता है पैंक्रियास के पास, और वहां से फिर ट्रिप्सिनोजन रिलीज करवा रहा होता है, वो सारा प्रोसेस होता है, तो उसमें पेप्सिनोजन का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कोर सिस्टोकाइनिन है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, लेकिन पेप्सिनोजन तो रिलीज हो रहा है स्टमक सेल से, चीफ सेल से, तो हमारे पास ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ठीक है हार्मोन है, लेकिन उसका गैस्ट्रिन से कोई लेना देना, उसके पेप्सिनोजन से कोई लेना देना ही नहीं है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो तो विटामिन बी12 वाले जो उससे रिलेटेड होता है, जो विटामिन बी12 के रिलीज है उससे या उससे रिलेटेड जो डाइजेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो गैस्ट्रिन है, वो क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक के पास जाता है और उनको कहता है कि तुम पेप्सिनोजन रिलीज करो, क्या, क्योंकि अब हमारे पास मैदे में प्रोटीन पड़ी है, तो पेप्सिनोजन रिलीज करो ताकि पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन पे जाए और वो प्रोटीन खा ले। तो यहाँ पर जो हार्मोन है जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो असल में जाता है पेप्सिनोजन को रिलीज करवाने के लिए, ठीक है, वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, पेप्सिनोजन को रिलीज करे। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर भी कौन से वाले सेल्स, जो चीफ सेल्स होते हैं हमारे पास, वो पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ 2021, 17 MCQs, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी और भी जो चीजें हैं वो साथ एक्सप्लेन कर ली कि क्या क्या था। एक हमारे पास क्या था, 17 MCQs, यू ना समझो कि हमने 17 MCQs कर लिए, 17 को एटलीस्ट 3 से मतलब 50 MCQs तक हमने राउंड अबाउट कर लिए, किससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बताया किसमें है, देखो फिगर से भी आया था, उसके साइंस टिडबिट से भी आते हैं, उसके अंदर मतलब सवाल घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, जैसे कैट और लाइन और गोट वाला, अब वो था उसमें गोट का कहीं नाम, ये बात कहीं नहीं लिखी कि गोट जो है उसमें गॉल ब्लैडर जो नेसेसरी नहीं है,
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गोट हर्बीवर्स है, उसके खुराक में फैट ज्यादा नहीं होता। गॉल ब्लैडर का मैक्सिमम काम होता है एमल्सिफिकेशन, बाकी तीनों में तो हो रही है, गोट में नहीं हो रही, तो इस वजह से उसमें जरूरी नहीं है। तो एक तो एमसीक्यूज वाइज कर लिया, फिर अगर यही क्वेश्चन अगर हम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो जो बातें हमने डिस्कस की है यही बातें उधर लिखोगे तो वहाँ पे शॉर्ट आंसर भी तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगे। होप सो कि ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो अपना रिस्पॉन्स शो कर देना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं एक और इस तरह की एमसीक्यूज की सीरीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।